कल हमने अमृतसर का दौरा किया। अमृतसर में हमने गोल्डन टेम्पल देखा, ज्ञान दी लस्सी का मजा उठाया, मॉडल टाउन देखा। हाँ, मॉडल टाउन देखा, जलियांवाला बाग और वो किला, किला कौन सा था? किला गोविंदगढ़। हाँ, किला गोविंदगढ़ बहुत ही बढ़िया किला, मतलब उसकी दीवारें आप देखो कितनी चौड़ी। उसमें 70 मूवी भी हमने देखी। मस्ट विजिट किला और मस्ट सी द 70 मूवी। वो आपको हकीकत के करीब ले जाती है कि उस वक्त राजा रंजीत सिंह जी ने कैसे दुश्मनों के सामने डट कर मुकाबला किया और उनको हराया। एकदम ग्रांड रोड पे है जो हमें ले जाएगा बॉर्डर पर, वाघा बॉर्डर पर जहाँ पर शाम को हम वो फ्लैग सेरेमनी जो होती है दोनों तरफ से, मतलब इंडिया और पाकिस्तान की, वो देखेंगे और उसके बाद लौट कर आएंगे वापस अपने होटल। भैया कितने का दिया? 20 का। 20 दीजिए मुझे, थैंक यू। भैया फ्लैग कितने का दिया? 150। 150 तीन चाहिए। हाँ हाँ जी, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद। फाल्गुनी, इतनी भूख लगी थी, हमने यहाँ पर गाड़ी खड़ी रखी है और इस ढाबे का नाम है 6862 फूड पॉइंट लंच। ठीक है, क्या करना है, लंच या ब्रेकफास्ट? देखेंगे अंदर जाके। ब्रेकफास्ट तो क्या मिलता है, ब्रेकफास्ट भी लिखा हुआ, दोनों साथ में कर लेंगे। लंच बीच में लिखा हुआ है और डिनर आखिर में लिखा है, तो चले डिनर नहीं करेंगे। तो ब्रेकफास्ट लिखा है, लंच लिखा है और डिनर लिखा है, तीनों साथ में कर ले, जैसी आपकी मर्जी, आपका पेट भरा है। सो ये है वो ढाबा जहाँ पर हमने अपनी गाड़ी खड़ी रखी है और यहाँ पर हम कुछ खाएंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे वाघा बॉर्डर के लिए। भैया क्या बन रहा है? रोटी तंदूर में। कहाँ से आया? हम आए गुजरात से। क्या बात है, गर्मा गर्म तंदूरी रोटी। ये इसमें क्या क्या मिलेगा? जैसे गुजराती खाई है तो उसमें रोटी आएगी कि नहीं आएगी? इसमें रोटी नहीं आएगी, इसमें रोटी आएगी, इसमें आएगी, इसमें आएगी, इसमें आएगी। रोटी चाहिए हमें पत्नी वाली, जो गुजराती पत्नी रोटी है पत्नी वाली। हाँ, दूसरा हमारे पास गेहूँ का रहता है लेकिन होता तो क्या होता है, होता तंदूर का, तंदूर का भी चलेगा लेकिन गेहूँ भी है ना, गेहूँ भी भेजेगा नहीं अली। और दूसरा ये पंजाबी थाली है, मक्के की रोटी, मक्के की रोटी। तो ये मकई की रोटी इसमें डाल दो ना मेरे को, मेरे को एक चाहिए पंजाबी, इन दोनों को पंजाबी चाहिए, पंजाबी लेंगे। और सर को मक्के का आटा चाहिए, एक मक्के की रोटी चाहिए। पंजाबी में कौन सी सब्जी है? पंजाबी में सब्जी कौन सी है? सरसों का साग फेमस पंजाब का। अरे वाह, वो धर्मेंद्र वाला क्लास से, धर्मेंद्र वाला बेटा मेरा कारण तो तीन पड़ेगा, एक आप इसके बाद दो पंजाबी थाली, ये पंजाबी खाना आ गया है, सरसों का साग, मक्के की रोटी, ब्लैक दाल, राइस एंड दही। आप क्या खा रहे हैं? ये हमारी गुजराती थाली है, इसमें राइस आती है, दाल है, राइस नहीं है, हाँ वही मैं बोलूँ आएगी अभी, सब्जी है, दही है और प्याज है। हमने एक्स्ट्रा मक्के की रोटी मंगाई है। अच्छा, गेहूं की नहीं है? गेहूं की नहीं, मक्के की खाना है। ओके देन एंजॉय। थैंक यू, यू गाइस आल्सो एंजॉय। ये 6862 का मतलब क्या है सर? इसका नाम है थार बाग, पंजाबी में जैसे थार लिखा ना, उसका बासण का मतलब होता बाग। इसका नाम है शान और शौकत और क्वालिटी, जिसे बढ़िया थार बाग डाला हुआ है आपने, कि बहुत अच्छे लग रहे हैं ये। मतलब मेरे को तो आपने अच्छा लग रहा हूँ। नहीं नहीं मतलब होता है शान और शौकत।
लोग इस जगह इसीलिए खड़े हैं कि हमारे एक दोस्त अशोक पराशर जी भी हमें ज्वाइन होने वाले हैं, लेकिन वो हमसे बहुत पीछे है क्योंकि वो पठानकोट से आ रहे हैं और अटारी बॉर्डर हमसे 2 किलोमीटर दूर है। और हमें आज से ये ध्यान रखना है सबको, मतलब हम भी गलती कर बैठे थे कि हमने भी कहा था कि वाघा बॉर्डर जा रहे हैं, लेकिन वाघा एक्चुअली पाकिस्तान की जगह है भाई लोगों, हमारी जगह अटारी है, हमें बोलना है हम अटारी बॉर्डर जा रहे हैं। तो दोस्तों ये बात ज़रूर ध्यान में रखना कि जब भी इस तरफ आने का हो तो ये बोलिए हम अटारी बॉर्डर जा रहे हैं, क्योंकि वो भारत का हिस्सा है। भारत माता की जय, जय हिंद। GJ05JR3333 तो फ्रेंड्स हम अटारी बॉर्डर पहुंच गए हैं। पूरा देशभक्ति का माहौल है, आप देख रहे हैं हमारे साथ झंडे टैटू। वेरी एक्साइटेड फॉर द सेरेमनी। देखिए खुशी इस बात की है कि हम वो जगह आए हैं, यहाँ पर हमारा अटारी बॉर्डर है और यहाँ आने के लिए हिंदुस्तान का हर व्यक्ति आतुर होता है कि एक बार तो मैं ज़िंदगी में यहाँ जरूर आऊँ। अमृतसर आए तो गोल्डन टेंपल और अटारी बॉर्डर जरूर आना है। वो 7.62 जब कोई हेलीकॉप्टर वगैरह पाकिस्तान से आता है तो इससे डालते हैं, इसमें पट्टा चलता है। ये बहुत इफेक्टिवल वेपन है सर, बहुत ज़्यादा सर। ये दोनों मतलब हेलीकॉप्टर का रेंज इसमें काफ़ी है। हाँ इसमें रेंज है, उसको इससे डालते हैं, बहुत इफेक्टिवल वेपन है। और इसमें जो पट्टा चलता है 1000 आदमी अकेले खिंचा सकती है, इतना पावर है और इतना भारी है, उठाना भी काफ़ी मुश्किल आपके लिए कुछ भी।